एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने अस्मिता पटेल की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला था अपने चैनल पे। रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा आ गया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। चलिए, वीडियो के टाइटल से आपको समझ ही गया होगा, यह हमारी सब्सक्राइबर स्ट्रेटेजी सीरीज का सेकेंड वीडियो है। हमने प्रीवियसली सीरीज पे कैश काउ वाला वीडियो डाला था, बट वो हमने प्राइवेट कर दिया है। क्यों किया है उसके लिए आपको वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा, आप वो देख सकते हो। और उस पे फिलहाल तो मिस्टर मोहित नेगा जी और उनका टीम काम कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी हो जाएगा और हमें अपडेट कर देंगे इस पे। तो जैसे ही मेरे को रिप्लाई आ जाएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। एक और चीज, बहुत लोग मुझे स्ट्रेटेजी टेस्ट करने के लिए मैसेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मैं इतना सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरा चीज, डोंट वरी, मेरे पास इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं एक साथ कि मैं एक साथ उन सब पे वीडियो नहीं बना सकता। ऑलरेडी मेरा काम लाइंड अप है, बट डरिए मत, एक एक करके उन सब पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ऑल आई एम आस्किंग इज पेशेंस। एज अ ट्रेडर आपको पता है पेशेंस का वैल्यू क्या है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ओके, सो जिसको नहीं पता, दिस इज अ न्यू सीरीज वेयर वी विल बी शेयरिंग द ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय आवर सब्सक्राइबर्स। अगर आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करनी है हमारी कम्युनिटी से और उसका रिजल्ट भी देखना चाहते हो तो आप हमको मेल कर सकते हो और उस सेटअप का नाम बता सकते हो और जो भी आपको क्रेडिट्स चाहिए रहेगा वो आप बता सकते हो। जैसे आपको नाम चाहिए, इंस्टा आईडी डालो, एक्सेट्रा, जो भी चाहिए वीडियो में, मैं वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में दोनों डाल दूंगा। रिजल्ट अच्छा हुआ तो क्रेडिट दे दूंगा, और लेट्स से कि रिजल्ट अच्छा नहीं भी रहा तो डोंट वरी, आई विल नॉट मेंशन योर नेम इन द वीडियो अनलेस यू वांट इट। अगर आपको अनोनिमस रहना है तो भी नाम नहीं लूंगा। हम ऐसे ही वीडियो बना के हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी को और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बोला है, आई अप्रिशिएट लोग ऑलरेडी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज का स्ट्रेटेजी RSI प्लस सुपर ट्रेंड प्लस 200 EMA हमारे सब्सक्राइबर्स अमोल सोनावने की तरफ से था। सॉरी अगर मैंने नाम या सरनेम गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो आप उनका मेल देख सकते हो। स्ट्रेटेजी फर्स्ट ग्लैंस में 3 इंडिकेटर सेटअप है, सिंपल स्ट्रेटेजी है और स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है। तो चलिए इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, जहां हम स्ट्रेटेजी को डिटेल में देखेंगे इंडिकेटर के साथ और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे, इसके बाद हम टाइम फ्रेम को 30 मिनट्स कर देंगे, इसके बाद हम ऊपर इंडिकेटर्स में जाएंगे और RSI इंडिकेटर ऐड करेंगे। अब सेटिंग्स में RSI में स्टाइल्स में जाके RSI अपर बैंड और RSI लोअर बैंड को छोड़ के बाकी सब अनटिक करना है। अब RSI अपर बैंड है उसको 60 कर देने का और RSI लोअर बैंड है उसको 40 कर देना है, इसके बाद ओके कर देंगे। अब इसके बाद वापस इंडिकेटर्स में जाके हम सुपर ट्रेंड ऐड कर देंगे। अब सेटिंग्स में ATR लेंथ को 10 कर देंगे और फैक्टर को 2 कर देंगे, इसके बाद इसको ओके कर देंगे और लास्ट में मेरा फेवरेट 200 EMA भी ऐड कर देंगे। सो दैट्स द सेटअप। सिंस ये एक स्विंग सेटअप है तो हम सिर्फ बाय साइड के लिए ही चेक करेंगे। सो चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। फर्स्ट रूल, सुपर ट्रेंड शुड बी ग्रीन। सेकंड, क्लोज प्राइस शुड बी अबाउट 200 EMA। थर्ड, 200 EMA शुड बी राइजिंग। वंस ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन इफ RSI क्रॉस द 60 लाइन फ्रॉम बिलो, देन वी विल टेक द बाय एंट्री। ओके, जब ऊपर के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और तभी RSI ने 60 लाइन को क्रॉस किया होगा तब हम एंट्री ले लेंगे। एंट्री वुड बी एट द हाई ऑफ द एंट्री कैंडल। स्टॉप लॉस इसमें उनके हिसाब से दो रख सकते हैं, या तो आप प्रीवियस स्विंग लो रख सकते हो या तो सुपर ट्रेंड रख सकते हो, बट उन्होंने कहा है कि आप प्रीफर प्रीवियस स्विंग लो करना। और एक और चीज, लेट से प्रीवियस स्विंग लो 3.5% के ऊपर है तो तब हमें स्टॉप लॉस को सुपर ट्रेंड अज्यूम करना है। तो इससे आपको ये समझता है कि आप मैक्सिमम रिस्क 3.5% तक ही ले सकते हो प्राइस का। ओके, नेक्स्ट टारगेट 2:1। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ 7 जैन को सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, सुपर ट्रेंड ग्रीन है, प्राइस 200 EMA के ऊपर है और 200 EMA राइजिंग है और जस्ट RSI ने 60 लाइन को ब्रेक किया है, बट हमको नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री यहाँ नहीं मिला इसलिए हम एंट्री नहीं ले रहे। बट अब नेक्स्ट कैंडल पे देखिए, यहाँ पर वापस RSI 60 के नीचे चला गया और फिर वापस ऊपर आ गया और यहाँ पर भी सारे कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड है, जैसे सुपर ट्रेंड ग्रीन है, 200 EMA के ऊपर है, 200 EMA राइजिंग है और RSI जस्ट 60 लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया। तो हम लोग कैंडल के हाई पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ प्रीवियस स्विंग लो पे रख देंगे और टारगेट 2:1 एंड दैट्स अ विन। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं।
हाँ यहाँ देखिए पीछे, यहाँ भी सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं। सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है, प्राइस भी 200 EMA के ऊपर है, 200 EMA भी राइजिंग है और जस्ट RSI 60 लाइन को ब्रेक किया है। सो हम कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे, स्टॉप लॉस को प्रीवियस स्विंग लो रखेंगे और टारगेट 2:1 एंड दैट्स अ विन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो सुपर ट्रेंड ग्रीन है, प्राइस भी 200 EMA के ऊपर है और 200 EMA राइजिंग है और जस्ट RSI ने 60 लाइन को ब्रेक किया है। सो हम कैंडल के हाई पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो रखेंगे और टारगेट 2:1। एज यू कैन सी दिस रिजल्टेड इन अ लॉस। कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, अब तक तो हमें समझ गया कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, तो कुछ प्रॉफिट तो कुछ लॉस होना ही है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्लियर है। चलिए तो इस स्ट्रैटेजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विनर चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 49 वाज विन एंड 51 वाज लॉस। सो विन रेट हुआ 49%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वाज 49.26% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज 12.92%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वाज 5 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वाज 8। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 7.791 मंथ्स। वेल, स्ट्रेटजी इज क्वाइट प्रॉफिटेबल। आप देख सकते हो 59.26% गेन इन 7.791 मंथ्स, विच इज रियली गुड। ड्रॉडाउन थोड़ा हायर साइड पे है। इसमें एक रिकमेंडेशन जो मैं मिस्टर अमोल जी और बाकी सब जो इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करने वाले हैं उनको देना चाहता हूँ। मैंने फिलहाल ये स्ट्रेटजी मैक्स 3.5% प्राइस तक का स्टॉप लॉस रखना है वो कंडीशन से चेक किया है। बट व्हाट आई वुड से कि इस क्राइटेरिया को अगर 2.5 कर देंगे 3.5 से, तो इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 14 ट्रेड्स थे जहां स्टॉप लॉस मैंने 2.5 से 3.5% के बीच में रखा था, उसमें से सिर्फ 4 विन था और बाकी के 10 लॉस थे। सो दैट्स अ रिकमेंडेशन आई कैन गिव मिस्टर अमोल जी। एनीवेज, कूडोस टू मिस्टर अमोल सोनावने फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रेटजी टू द कम्युनिटी। आप भी आपकी स्ट्रेटजी अगर कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हो और उसका रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आप हमें मेल कर सकते हो। स्क्रीन पर मैं मेल आईडी दे दूंगा। अगर स्ट्रैटेजी अच्छा लगा तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एज ऑलवेज, जैसे मैं बोलता हूँ, हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि स्ट्रैटेजी अच्छा है कि नहीं है। सो आई विल ऐड द स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक्स द 6th पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रीवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आप UPI ID स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर आपको ये वाला बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया है। आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर चेकआउट करना तो आपको समझ जाएगा। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो अवर सपोर्ट। More awesome contents are on the way. So see you next time.